You have worked with Sidhu Moose Wala? No. Have you met him? I met him once, like for a minute, I think. But did you notice anything about him? Nothing. जाते जाते ऐसे ही मिले हैं बस गाड़ी में. He was in the गाड़ी, I was in the गाड़ी. होल पाजी की हाल चला ठीक है बस. What was there? I want to know what was there in him and then Karan Aujla now. What do you think? What makes them so special? कि उनका जो audience है it's extreme level fandom. Yeah. I was reading recently a fact. इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज्यादा बार प्ले होने वाला है मूसा टेप. या ओके, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा वायरल एल्बम. और उसमें एक फैक्ट था, उसके अंदर नीचे अलग फैक्ट था, इट्स नॉट नंबर ऑफ यूनिक लिसनर्स, इज द सेम लिसनर्स जो बार बार सुनते. टू मी दैट वॉज फैसिनेटिंग. या कि भाई मतलब पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब मान लो, अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, वो 100 लोग मे बी आपका एल्बम सुन रहे हैं जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन 20 लोग हैं जो मूसे टेप सुनते हैं और वो इतनी बार सुनते हैं कि ये 100 लोग जो सुन रहे हैं ना, एक बार आपका गाना उससे ज़्यादा चल गया. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या था उनमें जो विच मेक्स हिम सो स्पेशल? आई थिंक हिज राइटिंग. आई वॉजंट अ फैन ऑफ हिज म्यूजिक पहले, बट उनका जो गाना आया 295, मैं उससे फैन हो गया था. व्हाट ही रोट, द वे ही रोट, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इट्स अ काइंड ऑफ हिप हॉप वाइब, जो आपके थॉट्स हैं आप वही लिख रहे हो, वो ऐसा लगता है कि आप ही की बात हो रही है लोगों के साथ. एंड इन द वे हिज पावरफुल वॉइस एंड हिज पर्सनालिटी एवरीथिंग जस्ट डिसाइडेड अवे. या या, बट आई यूज्ड टू वंडर एंड आई स्टिल डू कि इतना स्ट्रांग फैन फॉलोइंग कैसे बनता है किसी का भी. I still wonder. I also wonder. मेरे को ना ये पहली बात है. सो दिस वन ऑफ माय फ्रेंड जो सिद्धू मूसे वाले के बहुत क्लोज थे, तो मैंने पहले 2-3 गाने सुने. मेरे को वो सो हाई वॉज सुपर जो पहले शुरू में गाना है, मेरे को अच्छा लगा. देन उन्होंने 3-4 गाने ऐसे करे जिसमें, क्योंकि समझ नहीं थी, मैं हिप हॉप वाला वो जोन में नहीं कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा. मेरे को थोड़ा थोड़ा मैं इन चीज़ों से, मेरे को नहीं अच्छी लगती. ठीक ठीक है, ओके, यू डूइंग इट, आई एम नॉट शुरू में वो नहीं लगता. मैंने उनको बोला, मैं यार सिमिलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स करते हैं भाई, तो मेरे को लगता है कि कितने साल, 2-3 साल, 1-2 साल सेम गाने तरीके. बट वेन ही डिड 295, देन ही शोड हिज वर्सटैलिटी. उसके बाद अलग अलग तरीके के गाने करे, देन आई गॉट टू नो हिज व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज यार. अलग ही, अलग, he was alag, he had something kuch divine, something, because the way he wrote his songs before this happened, unhone apne gaano mein likhi hui hain cheeze yaar. Last ride, I was shocked. I was in Australia jab when this happened, to uske baad to main ek mahina lagatar us sare gaane sune, and then every word whatever he wrote reality ho gayi hai. That was insane. That's yeah. जो बहुत सारी fan theories जो चल रही थी and सब point to point. I was like, भाई ये कैसे होता है? 295 and I was like, 295. एक गाने में उन्होंने लिखा है कि right bonnet गड्डी दे बजे फायर, मतलब right bonnet की right side पे fire बजा हुआ. वो पहले लिखा हुआ था और असली में right side पे fire बजा हुआ. Insane. Okay. तो उनके साथ you feel कि struggle story दिखाना for an artist is important? अगर स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो पता होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट इट इंस्पायर्स पीपल आल्सो. मतलब जिन लोगों ने कुछ करना है उनको लगता है कि यार हमारे बीच में से ऐसे उठ के ये बंदा ऐसे बड़ा हुआ है, तो उनकी स्ट्रगल स्टोरीज एवरीथिंग सुन के दे कनेक्ट. और किसी की नगर नहीं है तो फिर क्या, तो उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, देख लेना आप. बल्कि कितनी भी अच्छे आर्टिस्ट हो, मतलब या तो उनका काम ऐसा हो जो काम के साथ कनेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा,